गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर जनी ब्लॉगर। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ लेपक्सी नंदी और जटायु, तो आप इस वीडियो में बने रहना। चलते हम पहले सबसे पहले लेपक्सी नंदी हो। यह है लेपक्सी नंदी और इसकी हाइट है 15 फीट। बहुत ही बड़ी है, भारत की सबसे बड़ी नंदी है जो कि एक पत्थर से बनी हुई है। बहुत ही बड़ी नंदी है। इस नंदी की हाइट है 15 फीट है और इसकी लंबाई है 27 फीट जो कि एक पत्थर से बनी हुई नंदी है। और दोस्तों बहुत ही अच्छा मतलब देखने लायक है ये। देखो कितना बड़ा एक पत्थर से बना रखी है इसको, लेपक्सी नंदी बोलते हैं। और इसके चारों तरफ है लेपक्सी नंदी पार्क जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा पार्क है ये, यहाँ भी पर्यटक लोग वगैरह देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आराम से आते हैं और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा पार्क है लेपक्सी नंदी पार्क। ये काली ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है जो कि केवल एक ही पत्थर, मात्र एक ही पत्थर से बनी हुई इतनी बड़ी विशालकाय नंदी है। दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा लगा और आपको भी अच्छा ही लगा होगा ये लेपक्सी नंदी जो भारत की सबसे बड़ी नंदी है। और मैं आपको पीछे की तरफ दिखाने वाला हूँ एक जो कि लेपक्सी जटायु। अभी ये है जटायु पीछे की तरफ, तो अभी अपन यहाँ वहाँ चलने वाले हैं जटायु की तरफ, मैं आपको लेकर चलता हूँ। चलते हम जटायु की ओर। दोस्तों वो है लेपक्सी जटायु, इसकी पीछे की हिस्ट्री मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ क्या है क्या नहीं है। चलते हैं पहले हम आगे की ओर। इधर है पार्किंग व्यवस्था और उधर है होटल, तो पर्यटक वगैरह आराम से रुक सकते हैं। चलते हैं हम पहले लेपक्सी जटायु थीम पार्क की ओर। वेलकम टू लेपक्सी जटायु थीम पार्क। दोस्तों अपन को ये टॉप व्यू से देखने को मिलेगा। ये देखो सराउंडिंग है, ब्यूटीफुल पार्क इन साइड, गुड व्यू फॉर फ्रंट, ये सब कुछ अपने को अंदर से देखने को मिलेगा। और इसकी एंट्री फीस होती है 10 रुपीज। चलते हैं हम अंदर की ओर। हाँ भाई एंट्री फीस 10 रुपीज। ओके ये अपन 10 रुपये देते हैं और अपनी टिकट लेते हैं। जटायु थीम पार्क एंट्री फीस 10 रुपीज। हाँ भाई अपना चैनल है मिस्टर जनी व्लॉगर के नाम से। भाई पूछ रहा है कि सर आपका चैनल है, हाँ अपना चैनल है मिस्टर जनी व्लॉगर के नाम से। यह है जटायु का फ्रंट व्यू, बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ से आपको चारों ओर का दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो पेड़ पौधे भी। इसका टाइमिंग पूछते हैं, अच्छा मॉर्निंग 7 o'clock से इवनिंग 6:30 तक। ये भाई अपने को टाइमिंग बता रहा है इसका, ये मॉर्निंग 7 o'clock से ओपन होता है और शाम को 6:30 तक। चलते हैं जटायु की तरफ। दोस्तों जब माता सीता का हरण रावण करके लेके जा रहा था तो एक गिद्ध जिसका नाम था जटायु, तो उसने रावण से युद्ध किया था। उन्होंने माता सीता को अपनी पुत्र वधू के समान मान के उसकी रक्षा करने की कोशिश किया था। यह है देखो जटायु का साइड व्यू। तो जब रावण माता सीता का रण करके लेके जा रहा था तो जटायु से युद्ध किया कि आप इसको क्यों लेके जा रहे हो, वो भी हवाई मार्ग से लेके जा रहा था। तो उन्होंने युद्ध किया तो रावण से जीत नहीं पाए ये और घायल होकर उसका एक पंख कट गया था, फिर यहाँ गिर गया था और माता सीता को बचा नहीं पाया था। तो अपने प्राणों को त्यागे बगैर वो राम 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 चिल्ला रहा था, तब तक भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की तलाश में ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे। और जैसे राम राम की आवाज़ सुना तो वो देखे कौन बोले, देखा था ये पक्षी है, बहुत बड़ा पक्षी है ये। पूछा तो बोला इस माता सीता को एक राक्षसों को जो राजा था रावण, वो हवाई मार्ग से लेके गया और मैं माता सीता को बचाने की बहुत कोशिश किया था लेकिन मैं बचा नहीं पाया, बहुत युद्ध किया मैं, इसलिए मैं बस आप ही का वेट कर रहा था कि मैं किसी को ये जानकारी दे पाऊँ या इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, मतलब जो भी है कि किधर लेके गया है क्या है। तो यहीं वो गीत मतलब घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। तो मैं चलता हूँ आपको ले जाकर दिखाता हूँ
जटायु था, उसका नाम जटायु था। और भगवान यह बहुत बड़ा पत्थर है, उसके ऊपर है जटायु। भगवान राम जब जैसे ही उसको उससे पहले मिले तो उसको बोला कि ले पक्षी, मतलब उठो पक्षी, और गले लगाया था। लेपक्षी एक जटायु शब्द है, लेपक्षी एक तेलुगु शब्द है। लेपक्षी का मतलब होता है उठो पक्षी, है ना। तो इसको गले लगाया था और इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दिया था कि जो रावण था वो ऐसे ऐसे माता सीता को हरण करके लेके जा रहा था, और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और चिल्ला रही थी। लेकिन मैं दुख इस बात से हूँ कि मैं उसको माता सीता को बचा नहीं पाया। फिर इतना कहकर और उन्होंने बता दिया कि वो ऐसे ऐसे लेके गया, तो वो चला गया, जानकारी दिया था। दोस्तों मैं यहाँ से आपको द टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, देखो साइड से बहुत ही अच्छा नज़ारा है। अभी फिलहाल बारिश हो रखी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ एक पार्क भी बना हुआ है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। और ये है बहुत ही बड़ा पत्थर जहाँ पर जटायु है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों वो है देखो नीम पेड़ के पीछे लेपक्षी नंदी, जो अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाया था, वो है लेपक्षी नंदी। लेपक्षी टाउन अब चलते हैं थोड़ा ऊपर की ओर, ऊपर भी ले जाकर दिखाता हूँ। तो भगवान राम को इस जटायु ने पूरी जानकारी दी थी कि माता सीता को किधर कौन लेके गया है, उसके हरण करके कौन लेके गया है। तो वही जो जटायु था, तो वो रामायण में जो जटायु का चर्चा होती है वो यही जटायु था, और यहीं वो गिरा था घायल अवस्था में। दोस्तों मैं आपसे ऊपर का टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखो बहुत ही बड़े पत्थर पर बना हुआ है ये लेपक्षी जटायु, बहुत ही बड़े बड़े पंख इसके देखो। और दोस्तों यहाँ से ऊपर से आपको मैं लेपक्षी टाउन भी दिखा दूँ, यह है लेपक्षी टाउन, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कुछ अच्छा देखने को लग रहा है आज। यहाँ भी देखो बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। तो भगवान राम से यहीं मिले थे। हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना।